फाइनली गाइज हमारे आशीष भाई आ चुके हैं। आशीष भाई हाय कर दीजिए। और ये रहे हमारे आकाश भाई। आकाश हेलो, आकाश हेलो। आज हम लोग आए चौकिया दर्शन करने के लिए। आज हम लोग आपको चौकिया खूबसूरती दिखाएंगे कि चौकिया मंदिर कितना ज़्यादा अच्छा है और आप यहाँ दर्शन करने जब आते हैं हमारे चौकिया माता के यहाँ कितना अच्छा व्यू आपको मिलता है। हमारे आशीष भाई आप आज आपको चौकिया का टूर करवाएंगे। मंदिर जाए जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकला जाएगा तालाब। हाँ, उसके बाद तालाब को भ्रमण कराते हुए वहाँ के बताते हुए काल भैरव दर्शन करते हुए फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे, आपको रास्ता दिखाते हुए। ओके, अभी तो भीड़ नहीं है, खाली समय है, तो ऐसा है कि आज भीड़ नहीं है। आज हम लोग जा रहे हैं चौकिया मंदिर दर्शन करने और आपको पूरा व्यू वहाँ का दिखाएंगे। चौकिया मंदिर पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर बन गया है, पहले इतना नहीं था। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं चौकिया मंदिर पे। चौकिया माता मंदिर बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। ये देखिए हमारे यूट्यूबर भैया पंडित जी से आशीर्वाद ले लीजिए कि आपको फॉलोअर जल्दी से हो जाए 1.5 लाख के बाद। देखिए यहाँ पे मन्नतों का धागा बांधा गया है, सभी लोग जितने श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं वो सभी अपने मन्नतों का धागा बांधते हैं और मन्नत पूर्ण होने पर उसको अपनी स्वेच्छा अनुसार खोल देते हैं। और हमारे आकाश भाई कुछ इसी तरह कुछ ऐसी मानी जाने वाली प्रथा का पालन कर रहे हैं और ये भी अपने मन्नत का धागा बांध रहे हैं। अब देखते हैं ये धागा कब खुलता है। इनके सब्सक्राइबर पे नज़र रखे रहिएगा, जब सब्सक्राइबर जितने हो जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग समझ लेंगे कि इनका मन्नत इनकी मन्नत पूरी हो गई है। ये देखिए भूगर्भ माता जी के जो चरणों में जो जल चढ़ाया जाता है वहाँ से ये पानी निकलता है और ये माता जी के जस्ट पीछे की आकृति है, उनका फेस मुख रखा गया और यहाँ पे ह्रीम लिखा हुआ है। ये देखिए माता रानी का फोटो, जय माता दी जय माता दी। और ये है दुर्गा माता, आप ध्यान से देख सकते हैं। हवन कुंड, फिलहाल तो अभी रात में बारिश हुई थी इसलिए यहाँ पर जल थोड़ा रुक गया हुआ है। क्षमा प्रार्थना श्री गुरु जी परम धाम वास, देहावसान यहीं पे हुआ था उनका। और ये रहे हमारे गुरु जी। हमारा वीडियो ब्लॉग शूट करने का कैमरा। ये देखिए शीतला माता का मंदिर, जो श्रद्धालु आते हैं उनको मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है लेकिन हम लोगों ने पंडित जी से परमिशन लेके वीडियो शूट किया है। और उसके बाद अब यहाँ पे लोग अंदर तो नहीं लेकिन बाहर उन्हीं की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पे ये लोग फ़ोटो शूट कर सकते हैं। ये बाबा काल भैरवनाथ, और आप लोग तो इस चेहरे से वाकिफ ही होंगे, हर समस्या का समाधान इन्हीं के पास है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम।
जय श्री राम। तो दोस्तों हर दीवार पे कुछ ना कुछ संदेश लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हर स्टेप पे। पूर्वांचल की जो कि ये प्रसिद्ध मंदिर सबसे मानी जाती है सतलाल चौकिया, जो कि हमारी कुल देवी मानी जाती हैं। और यहाँ पे बगल सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, काफ़ी दूर दूर इलाहाबाद, काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगने, और अपनी मन्नतें पूरा होने के बाद भी यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। और पर्यटन स्थल भी में ये शामिल हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। आज जो कि यहाँ पर शुक्रवार और सोमवार काफ़ी भीड़ यहाँ मानी जाती है, इनका जो विशेष दिन माना जाता है वो शुक्रवार सोमवार है। और इस टाइम जो है, इस टाइम भादो का महीना है, इस टाइम थोड़ा यात्रियों की भीड़ कम है। जैसे ही भादो बीतेगा, पितरपा का पितरपा के बाद नवरात्र चढ़ेगा, उसके बाद भीड़ यहाँ फिर स्टार्ट हो जाएगी। बोले बाबा गाइस, चौकिया का ब्लॉग आप शूट हो गया है, हम लोग वापस घर जा रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, आपको धार्मिक स्थल घूमने का एक अलग अनुभव हो सकता है। तो ऐसा है कि ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।